घर के मंदिर में ऐसे नहीं रखनी चाहिए भगवान की मूर्ति, नहीं तो होगा नुकसान। नंबर एक, घर में किसी भी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हो। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है, इसे दुर्भाग्य आता है। खासतौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से बिल्कुल ना रखें जिससे मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर दो, भूलकर भी ना रखे खंडित मूर्ति। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर तीन, इस मुद्रा में ना रखे भगवान की मूर्ति। वास्तु कहता है कि कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिससे वे क्रोधित या रुद्र मुद्रा में हों। घर में हमेशा भगवान की सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा की तस्वीरें रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपके घर में सुख शांति आती है। नंबर चार, एक साथ ना लगाए दो या तीन मूर्तियां। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान गणेश की दो प्रतिमाएं घर में हों तो उन्हें अलग अलग स्थानों जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में क्लैकलेस की स्थिति बन सकती है। नंबर पाँच, वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो पारद का या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। नंबर छः, शनि ग्रह की शांति के लिए शनि की पूजा आराधना की सलाह ज्योतिष शास्त्र देता है, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र भी नहीं देता है। शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा मूर्ति की जोड़ी जरूर होनी चाहिए, जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, गणेश लक्ष्मी, राम सीता लक्ष्मण जैसी मूर्ति घर में रखना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मूर्ति ऐसी हो जिसमें देवी देवता मुस्कुराते हुए दिखे, इससे घर में वैभव, सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। इस तरह की मूर्तियों को घर में जरूर लाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।